देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। 1947 में जन्मे दिनेश ठाकुर ने अपने पूरे करियर में बहुत कम फिल्मों में काम किया। प्रतिबद्ध हुए आजीवन रंगमंच के प्रति ही रहे। दिनेश ठाकुर समग्र और संपूर्ण रंगकर्मी थे। रंगमंच को चुनना आसान है, उसे चुने रह जाने का फैसला लेना, रंगमंच के लिए ही समर्पित हो जाना बहुत मुश्किल है। तब तो और जब बरास्ता रंगमंच फिल्मों में प्रवेश के रास्ते खुले हों। दरअसल रंगमंच कई लोगों के लिए सिनेमा के बंद दरवाजों को खोलने वाली चाबी मात्र की तरह है। दरवाजा खुला और चाबी की अहमियत खत्म। वे सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया में डूबने उतराने लगते हैं, रंगमंच को उसके हाल पर छोड़कर। बिरले होते हैं ऐसे जो तमाम संभावनाओं और मौकों के बावजूद रंगमंच को ही चुने रहने का फैसला लेते हैं और रंगमंच के लिए ही अपनी जिंदगी खपा देते हैं, क्योंकि ऐसे फैसले व्यावहारिक और व्यापारिक बुद्धि से नहीं लिए जाते, दिल से लिए जाते हैं। और दिनेश ठाकुर ऐसे ही बिरले इंसान, उम्दा अभिनेता और समर्पित रंगकर्मी थे, जो हमेशा अपने दिल की सुनते रहे, दिमाग की नहीं। हालांकि दिनेश ठाकुर चाहते तो रंगमंच को छोड़ फिल्म जगत में अपना सफल करियर बना सकते थे। ऐसा करने की उनमें भरपूर क्षमता थी और इसे उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में साबित भी किया था। 1971 में आई गुलजार की मेरे अपने में छोटी सी भूमिका के बावजूद वो अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। गौरतलब है कि असरानी, डैनी और पेंटल की भी यह पहली ही फिल्म थी। 1971 में ही आई बासु भट्टाचार्य की फिल्म अनुभव में ही ऐसा ही हुआ। लेकिन दिनेश ठाकुर को सबसे ज्यादा चर्चा मिली मनु भंडारी की एक छोटी सी कहानी पर निर्मित 1976 में आई बासु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा में। 1978 में आई विनोद मेहरा और रेखा की फिल्म घर की पटकथा दिनेश ठाकुर ने ही लिखी थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी मिला था। 1947 में जन्मे दिनेश ठाकुर ने अपने पूरे करियर में बहुत कम फिल्मों में काम किया। फिल्मों के अलावा कुछ टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया, लेकिन प्रतिबद्ध हुए आजीवन रंगमंच के प्रति ही रहे। दिनेश ठाकुर समग्र संपूर्ण रंगकर्मी थे, उम्दा अभिनेता, सशक्त पटकथा लेखक और बेहतरीन निर्देशक के रूप में वे आजीवन थिएटर को समर्पित रहे। सबसे पहले तो मेरे चलावे की पूजा का इंतजाम ही करना है। ऐसे आप शकुन वाली बातें मत करो, कोई चलावा लावा नहीं होने का, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डार्लिंग तुम कितनी अच्छी हो। 1976 में उन्होंने अंक थिएटर ग्रुप की मुंबई में स्थापना की और इसके जरिए अनेक नाटकों का सफल मंचन किया। तकरीबन 40 साल के अपने रंगमंचीय करियर में दिनेश ठाकुर ने तमाम मशहूर नाटककारों के साथ काम किया और कई चर्चित नाटकों का सफल मंचन भी किया। असगर वजाहत का जिन लाहौर नहीं वेख्या, गिरीश कर्नाड का तुगलक, बादल सरकार का बाकी इतिहास और पगला घोड़ा, विजय तेंदुलकर का लिखा खामोश अदालत जारी है, मोहन राकेश का आधे अधूरे, शंकर शेष का रक्त बीज, मन्नू भंडारी का महाभोज और बीएम शाह रचित शह यमात जैसे दिनेश ठाकुर द्वारा मंचित कई नाटक ऐसे रहे जिन्होंने काफी लोकप्रियता बटोरी। आज आपको मुझसे पक्का वादा करना होगा, बड़ा पक्का। अगर आप चली जाती तो हम पर क्या बीतती मालूम है आपको?
हम सर से जमीन में गड़ जाते, किसी से आगे मिलाने लायक ना रहते। अरे याद है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। दिनेश ठाकुर अपने आखिरी दिनों में काफी कमजोर हो गए थे। उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी थी। 20 सितंबर 2012 को गुर्दे फेल हो जाने की वजह से 65 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके न होने से भारतीय रंगमंच का एक कोना हमेशा के लिए खाली हो गया। वे हमेशा वैसे प्रतिबद्ध रंगकर्मी के तौर पर याद किए जाएंगे जिनके लिए रंगमंच ही सब कुछ था।